Good morning all of the students, welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils school. तो previous video में हमने आपके से संज्ञा के बारे में बात की थी, जिसमें आपको संज्ञा की definition, उसके parts and part की definition और कुछ examples के बारे में आपको बताया था. आज हम class 8th के लिए book का chapter number 1st, ध्वनि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे. तो अपनी बुक उठाएं और अपना पेज नंबर 117 पे ध्वनि पाठ का नाम है ध्वनि, जो कि पेज नंबर 117 पे है. ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक उठा के पेज नंबर 117 खोल लें. तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर. ठीक है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ मेरे वन में मृदुल वसंत. अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात. मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर. तो आइए पहले तो इसके कुछ कठिन शब्द हैं, इनको देख लेते हैं. तो कठिन शब्द क्या है, वन का अर्थ होता है जंगल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल. ठीक है, अंत का होता है समाप्ति, पात का अर्थ होता है पत्ते, कोमल का होता है मुलायम, गात का होता है शरीर. ठीक है, कर का होता है हाथ, निद्रित का होता है नींद में या सोई हुई, प्रत्युष का होता है प्रातःकाल, और मनोहर का होता है सुंदर या मन को मोह लेने वाला. ठीक है, तो आइए पहले इनके कुछ शब्दार्थ देखें, अब आइए इसके संदर्भ और प्रसंग की ओर चलते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं अपना संदर्भ. ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है. तो जो ये पैराग्राफ है, जो ये पद्यांश है, वो कहाँ से लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी जिन्हें निराला कहते हैं, उनके द्वारा संकलित कविता ध्वनि नामक पाठ से लिया गया है. ठीक है, तो यह कविता कहाँ से लिया गई है, ध्वनि नामक पाठ से, जिसके रचयिता हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी हैं. ठीक है, तो इस पाठ के सभी प्रसंगों के अंदर आपको ये पंक्ति लिखनी है. ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको लिखनी है. तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है. तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है. तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने उनकी जो आलोचक जो बुराई करने वाले थे उनको करारा जवाब देते हुए, मतलब एक कठोर जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए, जगाने का प्रयास किया है. ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं अब. तो कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा, तो पंक्तियों में कहा भी है कि कभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ. तो कभी क्या कह रहा है कि कभी ना, अभी ना होगा मेरा अंत. जो आलोचक थे, जो कवि की जो आलोचक थे और जो कवि को, मतलब कवि के कवित्व का अंत समझने वाले व्यक्ति थे, उनको कवि ने एक करारा जवाब, मतलब एक कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि कभी ना होगा मेरा अंत और अभी अभी तो आया हूँ. तो आलोचकों को ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा, उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है. तो प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी भावना और कल्पनाओं रूपी बसंत का आगमन हुआ है. ठीक है, अभी अभी तो आया हूँ, तो मेरे वन में मृदुल बसंत. ठीक है, तो उनके जो जीवन रूपी उपवन में अभी अभी भावना और कल्पनाओं रूपी बसंत का आगमन हुआ है, जिसका बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है. जिस प्रकार बारिश के दिनों में चारों तरफ प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो जाता है, अर्थात चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है, इसी प्रकार कवि के जीवन में भी अभी अभी ये जो बसंत का मौसम है वो उमंग भर रहा है. ठीक है, तो चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, मतलब उनके चारों ओर उनको, मतलब ऐसा महसूस होता है कि उनके चारों ओर प्रकृति मनमोहित और परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है उनको. ठीक है, ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है. उसी जिस प्रकार बारिश के मौसम में हमारी प्रकृति
रंग बिखेरती चारों ओर हरियाली का, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी आशा और संचार का, आशा और उमंग का संचार हुआ है, ठीक है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होता है, ठीक है, जिनका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कभी आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेंगे करेगा। जैसा बसंत में प्रत्येक हरा पत्ता हरा और डालियां कोमल और कलियां अधखिली होती है, और बसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। जिस प्रकार बारिश के दिनों में कलियां अधखिली, डालियां कोमल और सभी पत्ते हरे हरे दिखाई देते, हरे भरे, ठीक है, और जो कलियां होती है वो अधखिली होती है। क्यों अधखिली होती है? क्योंकि बसंत के मौसम में जो वृक्ष होते हैं फूलदार, उनमें अत्यधिक फूल आते हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में फूल आते हैं, तो वो प्रातःकाल की जो भोर की सुबह होती है उसमें वो खिलते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य की पहली किरण उन पर आती है, तो सूर्य की पहली किरण को कवि ने हाथ बताया है, मतलब कि किसी का हाथ बताया, बसंत का हाथ बताया है, ठीक है। तो कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उन कलियों को जगाता है, मतलब जो सूर्य की पहली किरण को बताता है उससे वो नए, मतलब खिलती है, ठीक है, नए सवेरे का आरंभ होता है। उसी प्रकार कभी भी अपनी कविताओं के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करते करके उन्हें आलस्य से जगाकर सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। तो कवि क्या कह रहा है कि उसी प्रकार कभी भी उनकी कविताओं से, जो कवि है वो अपनी कविताओं से ओजस्वी विषयों के माध्यम से, मतलब कि ओजस्वी का अर्थ होता है मतलब तेजपूर्ण विषय जिनसे उमंग बढ़ सके, उनके जीवन में उत्साह उठ सके, ठीक है। तो ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करें करके, तो उन ओजस्वी विषय मतलब कि जो उमंगपूर्ण विषय जिनसे युवाओं के जीवन में उत्साह भर सके, इस प्रकार के विषयों के माध्यम से उनमें संचार कर सके, और उनके आलस्य से जगाकर, और उनको आलस्य से जगाकर सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण, और उन्हें सही मार्ग पर लाके और नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा। तो नई आशा मतलब कि आशा करता है उन जवान मतलब युवाओं से, ठीक है, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके, जिससे वे सुपथ पर मतलब अच्छे पथ पर आगे बढ़ सके। तो आइए इनके कुछ प्रश्न उत्तर इनको भी देख लेते। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने किन किन लोगों को करारा जवाब दिया है? तो कवि ने किन किन लोगों को करारा जवाब दिया है? जो उनकी आलोचना करते थे, ठीक है, जो उनके कवित्व पर लांछन लगाते, मतलब उनका कहते थे कि इनका कवित्व प्रभावशाली नहीं रहा है, तो उनको करारा जवाब दिया है, ठीक है। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उनका कभी अंत नहीं होगा? कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उनका अंत नहीं होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे मन में मृदुल बसंत अभी, मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे मन में मृदुल बसंत की जैसे बारिश के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार उनके जो कविताएँ हैं वो भी अभी उमंगपूर्ण हैं, ठीक है। तो कवि इसलिए कह रहा है क्योंकि कवि के जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है, ठीक है, तो उसे नए नए भावों से व्यक्त करने का अवसर मिला है, ठीक है। इस अब वह अपनी कविताओं द्वारा युवाओं के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करेगा, ठीक है, तो इसलिए उसका कभी अंत नहीं होगा। वन और निद्रित कलियाँ यहाँ किसके प्रतीक है? वन और निद्रित कलिया किसके प्रतीक है? वन कवि के जीवन रूपी उपवन का तथा निद्रित कलिया आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है, ठीक है। अगला है आपका, कवि अपनी रचनाओं द्वारा किसको उत्साहित करना चाहता है? तो कवि अपनी रचनाओं के द्वारा किसको उत्साहित करना चाहता है? देश की युवा पीढ़ी को उत्साहित करना चाहता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर थे जिनको आपको अपनी बुक के अंदर, सॉरी नोटबुक में, आपको होमवर्क में करना है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझने में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो अपने संबंधित अध्यापक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।